हाँ तो भाई कैसे हो सारे बढ़िया। तो अपने हनी पाजी एक स्टोरी लगाते हैं, दिस लूजर इज जस्ट लाइक मी हु ऑलवेज विंस, पता नहीं कैसे। अब अपने पाजी कभी खुद की तारीफ तो करते नहीं है अपने मुंह से, तो भाई उनके फैंस है बताने के लिए कि पाजी हमेशा कैसे टॉप पे बैठे रहते हैं। भाई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखना, टाइम टाइम पे फैंस को गाने देना और खुश करना, हमेशा यूनिक सोचना और फ्यूचरिस्टिक ट्रैक्स पे काम करना जो आज से 10 साल बाद फटते हैं। ऐसे ही हनी पाजी को एक वर्सटाइल आर्टिस्ट नहीं कहा जाता है। हमेशा भाई नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं फैंस को। भाई घिसी पिटी पुरानी चीज़ें नहीं देना चाहते जो एक बार दे चुके हैं, और फिर जनता उनको फॉलो करती है, अदर आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। भाई हमेशा से ये लेगेसी हनी पाजी ने मेंटेन करके रखी है, और भाई हमेशा अलग ही काम कराया अपने हनी पाजी ने। और भाई हार्ड वर्क, फैंस के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बाकी इसके अलावा एक टारगेट देता हूँ यो आर्मी को, अभी के अभी पूरा करना है। कला स्टार ट्रैक देखो, इस पर 1 मिलियन कमेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 30 से 31 हज़ार कमेंट्स रह गए हैं। तो मेरी वीडियो हनी पाजी के फैंस 10 से 15 या 20 हज़ार रोज़ देखते हैं, तो भाई इसमें से अगर 6 हज़ार फैंस भी जाते हैं ना, जो खुद को बड़े प्राउडली कट्टर फैंस बताते हैं, भाई जाओ और 5-5 कमेंट्स करके आओ। 6 हज़ार बंदे अगर 5-5 कमेंट्स कर देंगे तो 30 हज़ार से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे और 1 मिलियन का टारगेट कंप्लीट होएगा। तो जाओ अभी के अभी जाके करो। ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छोड़ गया, हम फर्स्ट। और बाकी लाइक्स की बात करें तो सिर्फ 7 लाख लाइक्स रह गए हैं, तो भाई ये ट्रैक भी जल्दी 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर लेगा। बाकी इसके अलावा हनी पाजी का जो लव डोज ट्रैक है 10 साल पुराना, जिसको एवरग्रीन ट्रैक भी कह सकते हैं, ऑल टाइम फेवरेट, भाई उसने कंप्लीट कर लिए हैं 100 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई, और ये बन चुका है हनी पाजी का सेकेंड मोस्ट स्ट्रीम ट्रैक, जो कि स्पॉटिफाई पे 100 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुका है। इससे पहले देसी कलाकार ने करे थे, और अब जो नेक्स्ट ट्रैक है भाई वो है ब्लू आइस, भाई ये भी जल्दी कंप्लीट कर लेगा। बाकी अगर आप स्पॉटिफाई पे चेक करोगे तो हनी पाजी के जो मंथली लिसनर्स हैं वो कम हो गए हैं, 12.7 मिलियन मंथली लिसनर्स हो गए हैं। तो इसका रीज़न ये है, हनी पाजी की जो टीम है भाई वो ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों, है ना भाई, उनको देना चाहिए, क्योंकि जो अदर आर्टिस्ट है ना जो टॉप पे बैठे हैं मंथली लिसनर्स में, भाई उनके प्रॉपर एड्स चल रहे हैं। आप कोई भी ट्रैक प्ले करोगे उनका ट्रैक पहले आ जाता है और उनके स्ट्रीम्स ऐड हो जाते हैं, अपन उनको सुनते भी नहीं है फिर भी। तो हनी पाजी को ये ध्यान देना चाहिए या उनकी टीम को। बाकी इसके अलावा अर्पित वाला और करुण, जो कि हनी पाजी के टीम मेंबर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में हनी पाजी से रिलेटेड बातचीत करी है, चेक करो। हनी सिंह को बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, लोगों को ऐसा मानना है कि स्पेशली द फैंस ऑफ एक्स वाई जी, जिनकी जिनकी जिनसे हेट होती है वगैरह वगैरह, उनको लगता है कि हनी सिंह हैज बीन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सन, नाउ ही इज ट्राइंग टू कम बैक टू द सीन जो उनका सीन था। So what exactly has been Hani Singh's journey if you've been a part of that at some level or the other? मैंने ना कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में, and I would like to re-quote that person. Whenever people say about his comeback, I think he never went away. So there's no comeback. I mean, I don't think so. There has been a time in those 5-6 years per se when you've never heard a song. I don't think so there can be any party or any public event where you've not heard his music. So I don't think so he never went away. So there's no point of comeback. If you want a physical comeback in the same look, I think that's just what fans want. It's not what he wants. I don't know. I'm not answering for him as a fan only. And I have been so with as him a fan, for, as in, how is he as a person? Yeah, like I've been with him for more than a year. I have stayed with him for a very long time. And I can say that, ab dekho, ye toh lagega ki main bol raha hoon, but I think I have met a lot of people and he is there. Like he's very humble and comes from where we all come from. हम जहाँ से आते हैं, हम एक छोटी फैमिली से आते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एंड देन टू वेयर ही इज रीच्ड, ही इज प्रॉब्ली द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव मेट। आई एम सॉरी, मतलब पता नहीं, बट हाँ भैया डीकैथलॉन के कपड़े भी पहनते हैं और बैठते हैं हमारे साथ नॉर्मली, ही इज वेरी नॉर्मल लाइक दैट। चलो तो फिर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हनी पाजी के फैन हो, बाय।